और मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा करने के लिए वैलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया जुड़े हैं, जिनके पास स्टॉक मार्केट में करीब करीब 4 दशक का अनुभव है और टॉप स्ट्रेटजिस्ट में माने जाते हैं वो। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। एक मार्केट में ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि कोई डर बचा ही नहीं है। इंडिया वेक्स 10 के नीचे आ गया, कोई भी करेक्शन आती है वहाँ बाइंग आ जाती है, कोई भी करेक्शन टिकती नहीं है मार्केट में। ये करीब 3 साल का ट्रेंड बन चुका है। ये ऐसा आपको लग रहा है कि क्यों हो रहा है? क्या डोमेस्टिक मनी का पावर वाकई में इतना बढ़ गया है, और क्या अब मार्केट का ट्रेंड ऐसे ही रहने वाला है? हाँ देखिए अनुज जी, इसमें एक तो ना कोविड के बाद में अर्निंग्स काफी जोर से रिकवर हुए थे, इकोनॉमी भी रिकवर हुई थी, और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं वो सही है कि जो भारत में सब लोग हैं जिनके सेविंग्स है ना ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट में, थोड़ा थोड़ा वो सेविंग्स अब है ना इक्विटी में आना चालू हो गया है। तो इसी कारण है कि जब FII का सेलिंग आया फिर भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था क्योंकि डोमेस्टिक बाइंग आई थी। अभी बस एक कॉशन यह है कि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम हो गया है। दूसरा, अर्निंग्स काफी बेहतर कर दिया है पिछले 3 साल में, तो यहाँ से अर्निंग्स अच्छे रहेंगे पर वो सेम पेस पे नहीं आएंगे, तो हम लोग का अनुमान है कि लार्ज कैप में 11-12% का ही ग्रोथ समझना चाहिए, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं समझना चाहिए। तो हम लोग का तो दो व्यू है कि एक तो रिटर्न जो पिछले 3 साल में आ गए वो रिपीट नहीं होंगे, रिटर्न आएंगे पर काफी कम रहेंगे, और दूसरा ना वॉलेटिलिटी बढ़ेगा मार्केट में, काफी ऊपर नीचे होंगे। अपने इस क्वार्टर में भी पिछले क्वार्टर में देखने मिला था जब लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी नहीं आई है पर स्मॉल कैप और मिड कैप में देखे तो काफी वॉलेटिलिटी थी। अपने ना फरवरी से मार्च में देखे हाई और लो में तो करीब 15% स्मॉल कैप इंडेक्स गिर गया था, वो पूरा रिकवर हो गया। अभी 15 मार्च से लेके अभी 15 अप्रैल तक 1 महीना में पूरा रिकवर हो गया, पर एक बार तो 15% गिर गया था, तो वैसे वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। वैसे वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। अब लीडरशिप कहाँ पर है आपके हिसाब से ज्योति जी? क्योंकि एक मार्केट में क्लियरली हमने बहुत ज़्यादा बाइंग देखी है ऑटोज़ में, फॉर एग्जांपल। आईटी थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस रहा है, बैंक्स में भी लार्ज प्राइवेट बैंक्स थोड़ा सा हायर लेवल पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यहाँ से लीडरशिप कहाँ रहेगी? तो एक तो इस साल ज्यादा रिटर्न एक तरह से कंसोलिडेशन का जोन आ गया, अभी थोड़ा कंसोलिडेट होएगा। तो जैसे अपने क्रिकेट का बात कर रहे थे तो अभी ये टेस्ट मैच आ गया, बिना T20 का फेज खत्म हो गया, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा रिटर्न कम ही देगा। जो ऑटोज है काफी अच्छा किया, हम लोग थोड़ा पोजिशन हल्का कर दिया ऑटो में, क्योंकि आगे जाते हुए ना वो सेम सेल्स तो जो देखने मिला था वो शायद नहीं देखने मिलेगा। बैंक्स एक सेगमेंट है जो पिछले 1-1.5 साल में इतना अच्छा नहीं किया है, तो बैंक्स पे हम लोग की नजर अब है कि भाई बैंक्स थोड़े सस्ते दिख रहे हैं, और काफी लार्ज कैप के अलावा जो सेकेंड लेवल प्राइवेट सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो ज्यादा सस्ते दिख रहे हैं, तो बैंक्स मेरे को लगता है एक थोड़ा लीड कर सकते हैं 3-4-6 महीना में। दूसरा, हम लोग की नजर है फार्मास्यूटिकल पे, क्योंकि ये सेक्टर में जो US जेनरिक्स है वहां पे दाम काफी बॉटम हो गए हैं, तो वो US जेनरिक का जो फार्मास्यूटिकल्स है वहां पे ना अर्निंग्स का काफी ग्रोथ आ सकता है अगले दो दो साल में, और उसके कारण वहां पे शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकता है। अच्छा सर, अभी आपने बैंक्स का जिक्र किया, एक बास्केट जो कि बहुत स्ट्रांग है ज्योति जी, वो है मेटल्स। निफ्टी मेटल इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। कॉपर के प्राइसेस को देखिए आप, फर्म स्ट्रांग, और ये सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कमोडिटी होती है। सर, आपको क्या लगता है, आई मीन जो ट्रेडर्स इसको चेज कर रहे हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स आई थिंक mid-22 से या फिर 22 से के कमेंसमेंट से राइट कर रहे हैं मेटल्स को, एक कैश प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर अभी होल्ड करें मेटल्स को? आपका सेंस क्या कह रहा है इस वक्त? तो देखिए मेटल्स पे थोड़ा सा हम लोग का ना नजरिया थोड़ा धीमा ही है, क्योंकि चाइना है वो सबसे ज्यादा कंज्यूमर है मेटल का, 40-50% मेटल कंजम्पशन चाइना में होता है, और अगले थोड़े साल में चाइना का इकोनॉमी तो स्लो ही रहने वाला है, 5% से कम GDP आना चाहिए। तो उसी नजर से देखें तो जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है उसका ना डिमांड स्लो होएगा तो मेटल प्राइस थोड़ा स्ट्रगल करेगा। दूसरा, जो अभी देखने मिलेगा कि चाइना का स्लोडाउन है तो उन लोग करता क्या है, तो मेरा अनुमान है कि हो सकता है चाइना अपना करेंसी डिवैल्यू कर दे अगले 3 महीना में कहीं पे, तो
उसका एक इम्पैक्ट मेटल प्राइसेस पे आ सकता है, पर थोड़ा थोड़ा ना, जो काफी पैसा कमा लिया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि मेटल काफी वॉलेटाइल सेक्टर रहता है। वहां पे जब प्राइसेस गिरते हैं तो भी जोर से गिरते हैं, बढ़ते हैं तो भी जोर से गिरते बढ़ते हैं। अच्छा, निफ्टी एफएमसीजी पर ज्योति जी, और एफएमसीजी स्टॉक्स पे अब इसमें इक्का दुक्का स्टॉक्स तो हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक टाटा कंज्यूमर, लाइक गोदरेज सीपी, बट मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट आई थिंक लाइक एचयूएल स्पेशली, आई मीन आपने इसके जो लास्ट रिपोर्टेड वॉल्यूम्स के नंबर्स थे Q3 में वो देखे ही थे, अभी क्या सेंस बन रहा है? एंड स्पेशली जब मानसून बहुत नज़दीक खड़ा है, एज ऑफ नाउ जो मेट की टिप्पणियाँ थी वो एक नॉर्मल मानसून की थी, क्या आप एफएमसीजी में कोई सीरियस बाइंग एफर्ट्स कर रहे हैं इस वक्त, स्किप्स लाइक डाबर, मैरिको, एचयूएल, जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया? नहीं तो हम लोग एफएमसीजी में अभी भी नहीं कर रहे हैं, और जैसे मैंने कई बार जिक्र किया, हम लोग का था विद इन इंडिया, हम लोग को इन्वेस्टमेंट थीम अच्छा लगता है, कंजम्पशन थीम अच्छा नहीं लगता है। तो इसके जो दो कारण थे, एक था कि ना डिमांड वीक हो रहा है, रूरल जो इनकम है वो इनकम इतनी अच्छी नहीं है, और दूसरा है ना वैल्यूएशन काफी महंगे थे। वैल्यूएशन अभी भी कोई सस्ते नहीं हुए हैं, स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए, तो एक तरह से रिलेटिव वैल्यूएशन थोड़ा बेटर हो गया, पर अभी भी ये कोई स्टॉक सस्ते नहीं है। दूसरा हम लोग का लॉन्गर टर्म जो थीम है वो है कि ये जो सोप शैम्पूज ये सब है, जब अपना पर कैपिटा इनकम कम था और पेनिट्रेशन लेवल्स इसके कम थे, तो यहाँ डिमांड बढ़ता था क्योंकि लोग ये लेते थे, पर अभी इसका एक तरह से पेनिट्रेशन पूरा हो गया। तो अभी जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा लोग कुछ और लेंगे, जैसे वाइट गुड लेते हैं, अभी टू व्हीलर लेते हैं, तो इनका डिमांड एक अपटर्न में भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। एक मॉनसून अभी अच्छा आवे तो थोड़ा सा ना इसमें डिमांड इम्प्रूवमेंट आ सकता है, पर और कई तरीके हैं खेलने के, मॉनसून एग्रोकेमिकल खेल सकते हैं, टू व्हीलर खेल सकते हैं। तो अभी भी हम लोग का नजर है एफएमसीजी पे, हम लोग काफी है ना, हम लोग के पास कोई ज्यादा स्टॉक्स नहीं है। ओके, अच्छा ये न्यूज़ फ्लैश की थी क्या हमने, भारतीय एयरटेल का जो क्लैरिफिकेशन आया है कि ओके, तो क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि वोडाफोन ग्रुप के साथ कोई बात नहीं चल रही इनकी इंडस टावर का स्टेक एक्वायर करने की। ध्यान रखिएगा, इंडस टावर में करीब करीब एक्सक्यूज़ मी 48% स्टेक है इस समय भारतीय एयरटेल का। तो बात ये है कि या तो 51% तक ले जाएँ ताकि वो सब्सिडरी बन जाए, या फिर पूरा ही स्टेक ले लें वोडाफोन का। ज्योति जी, मुझे पता आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात नहीं करेंगे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में एक जो बहुत शानदार चीज़ हुई इंडियन मार्केट में, वोडाफोन आइडिया के FPO को इतना बड़ा रिस्पॉन्स, 20,000 करोड़ का IPO, 1 लाख करोड़ से ऊपर की बोलियां आई, ये क्या बता रहा है आपको टेलीकॉम सेक्टर को लेकर? तो देखिए टेलीकॉम में सब बोलते थे कि ढाई प्लेयर है एक तरह से, तो वो ढाई प्लेयर के तीन प्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि जो बैंकरप्सी रिस्क थी एक तरह से टल गई है। दूसरा यहाँ पे टेलीकॉम में पॉजिटिविटी क्या है कि टैरिफ इंक्रीज हो जाएगा, तो टेलीकॉम सेक्टर में पूरा कॉस्ट एक तरह से फिक्स कॉस्ट होता है, तो जैसे ही थोड़े भी है ना टैरिफ इंक्रीज कर देते हैं वो सीधे बॉटम लाइन पे आ जाते हैं, क्योंकि पूरे फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम रहता है। तो टैरिफ इंक्रीज की अब बात चालू हो गई है कि एक तरह से सब लोग का मार्केट शेयर स्टेबलाइज हो रहा है, तो अभी तीन ही प्लेयर रहे तो है ना सब लोग टैरिफ इंक्रीज कर देंगे तो काफी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अब है ना अगले 1.5 साल में टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ इंक्रीज देखने मिलेगा, वो टैरिफ इंक्रीज के कारण शेयर प्राइसेस ऐसे काफी अच्छे हो जाएंगे। ओके, चलिए ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब आगे